सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समाज के सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन समाज के कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो वकील को हायर कर सकें और अपने केस की पैरवी कर सकें। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, सरकार ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। सरकार ने एक न्याय बंधु ऐप लॉन्च किया है, जहाँ पर जाकर कोई भी वकील और आम आदमी जाके रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के लिए कुछ टर्म्स रखी गई हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये टर्म्स और कंडीशंस और ये कैसे काम करेगा। सो गाइज, मैं हूँ सुजीत, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, न्याय बंधु ऐप। देखिए, प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे आप ऊपर टैप कर देंगे न्याय बंधु ऐप। तो यहाँ पे न्याय बंधु जैसे आप टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया न्याय बंधु ऐप मोबाइल ऐप। ऊपर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, DOG लिखा है, इंस्टॉल लिखा रहा है, मैंने ये ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद परमिशन आपसे मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा। लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोलेगा, इंग्लिश हिंदी चूज़ कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखिए होम पेज आ गया है, एडवोकेट एप्लीकेंट। अगर आप एडवोकेट हैं तो यहाँ पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एप्लीकेंट है तो यहाँ पे जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार मेन्यू में ले चलता हूँ। मेन्यू में देखिए होम का ऑप्शन आ रहा है, मैसेज फ्रॉम मिनिस्टर अबाउट न्याय बंधु ऐप, साइन अप, फैक्स, फीडबैक, लैंग्वेज। फीडबैक में जा कर के आप फीडबैक दे सकते हैं कि ऐप आपको कैसा लगा। ये देख रहे हैं आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं मैसेज फ्रॉम मिनिस्टर, यहाँ पे आप जो लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनका आप मैसेज पढ़ सकते हैं और अबाउट नए बंधु के बारे में फैक्स पढ़ सकते हैं। और साइनअप पे जाएंगे, साइनअप पे देखिए एडवोकेट और एप्लीकेंट दो ऑप्शन आ गए हैं। अगर एडवोकेट है, मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, तो एडवोकेट पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं टाइप करके अपनी डिटेल्स फिल करूँगा। ये देखिए फुल नेम मांग रहा है, फर्स्ट नंबर पे फुल नेम आप डाल देंगे, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, देन ये कैप्चा कोड डाल देंगे। ये देखिए टू स्टेप, ओनली वन स्टेप का फॉर्म ये रहा, इसको करेंगे तो आगे टू स्टेप वाला भी आएगा। ये नीचे आप देख रहे होंगे बैक और नेक्स्ट, इसको करके आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म मांगा है भरने के लिए, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरे पर अगर हम चलते हैं, दोबारा साइनअप पे जाएंगे तो यहाँ एप्लीकेंट आ रहा है। जो आम आदमी, जो समाज का कमज़ोर वर्ग, जो वकील नहीं कर सकता ज़्यादा पैसे दे करके, वो भी यहाँ रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता। अगर एप्लीकेंट हैं तो फुल नेम यहाँ डालेंगे, मेल आ जाएगा यहाँ पे, अपना जेंडर, कन्फर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, इसका भी टू फॉर्म्स में है, नंबर वन ये रहा, टू आगे आएगा, सेम एडवोकेट की तरह है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप देखिए फैक्स भी पढ़ सकते हैं, जब आप फैक्स पे टैप करेंगे तो सीधा ये आपको वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, probon.DOG वाली वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे इनके आंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में हो सकते हैं, उस पर आप टैप करेंगे तो उसके आंसर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ये तो रही बात आपकी ऐप की, अब मैं आपको बताता हूँ। अब इसके लिए टर्म्स और कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ कि इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में एक एड्रेस टाइप करेंगे, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके का होम पेज आपके सामने आएगा। देखिए न्याय बंधु की वेबसाइट है, ऐप के बारे में आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको वेबसाइट से एक बार बता देता हूँ। आप मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे मेन्यू में जाने के बाद आप देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एप्लीकेंट आ रहा है, यहाँ पे आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है यहाँ पे बताया गया है विस्तार से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर वन पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरी, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, क्या क्या प्रूफ चाहिएगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए कैटेगरी के लिए। तो मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताता हूँ। अभी ये मेरी वीडियो फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर, न्याय बंधु ऐप के ऊपर अभी किसी की वीडियो नहीं है, और एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर पर देखिए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का हमें मेंबर होना चाहिए, अनुसूचित जाति का, उसके पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वो इसका लाभ ले सकता है। सेकंड नंबर पे है मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब मीन्स अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति जो होती हैं उनके लिए भी ये सुविधा है, उनके पास भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। नंबर थर्ड पे है विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, मानव तस्करी का जो कोई शिकार हो जाते हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। और बेगार, बेगार मीन्स यहाँ पे है कि किसी भी लेबर को फोर्स करके काम कराया गया और उसकी मजदूरी नहीं दी गई, उसकी मजदूरी मार ली गई,
तो यहाँ पे वो लाभ ले सकते हैं आर्टिकल 23 के अंडर। उनके पास क्या प्रूफ चाहिए? एनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग दिस स्टेटस, लीगल, कोर्ट, पुलिस डॉक्यूमेंट, पुलिस का, कोर्ट का कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा, वो उसका लाभ ले सकते हैं। नंबर फोर पे वुमेन और चाइल्ड हो तो उनके पास डेट ऑफ बर्थ या कोई जेंडर का आइडेंटिफाइड होना चाहिए गवर्नमेंट इशू, वो लाभ ले सकते हैं। नंबर फाइव है पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई भी जैसे दिव्यांग भाई बहन होते हैं तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। दिव्यांग का कोई प्रमाण पत्र गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपके पास है तो उसका लाभ आप यहाँ पे मिलेगा। नंबर सिक्स पे है पर्सन इन कस्टडी, कोई भी पर्सन है जो कस्टडी में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो वो इसका लाभ कैसे ले सकता है? कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है या फिर डॉक्यूमेंट है तो उसका लाभ मिल जाएगा। नंबर सेवन पे एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन, इंडस्ट्रियल मीन्स जैसे आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, JSW है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे बड़ी बड़ी स्टील, सीमेंट, रेल के डिब्बे वगैरह बनते हैं, तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट आईडी उनके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप किसी ने सैलरी मार ली है, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तो आपके पास वहाँ कोई आइडेंटिटी कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन है, जॉइनिंग लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, ऐसे केसेस बहुत आते हैं हमारे इंडिया में। तो बहुत बढ़िया ऐप लॉन्च किया गया है, बहुत सुविधा है, ज़रूर आप इसको करें और यहाँ पे सुविधा का लाभ मिलेगा आपको। नंबर एट पे है विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, कोई आपदा आ गई है, बहुत ज़्यादा आपदा आई है, उसका कोई शिकार हो गए हैं, एथनिक वॉयलेंस हो गया है। एथनिक वॉयलेंस का मतलब यहाँ पे है कि नस्लीय टिप्पणी कर देना। कास्ट एट्रोसिटी का मीन्स यहाँ पर है आपकी जाति पर अत्याचार कर देना। फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, इंडस्ट्रियल में आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई आपदा आ गई है, तो उसका आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। उसके लिए आपको एनी लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग दिस स्टेटस, कोई भी गवर्नमेंट स्टेटस डॉक्यूमेंट आपका चलेगा यहाँ पे जो सर्टिफाई होगा गवर्नमेंट से। नंबर नाइन पे चलते हैं पर्सन विद एनुअल इनकम लेस देन एज प्रिस्क्राइब अंडर लॉ, गवर्नमेंट समय समय पर एनुअल इनकम तय करती है जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं कि जिनकी इनकम फॉर एग्जांपल 5 लाख से कम है, 2 लाख से कम है, उनको फ्री सहायता मिलेगी, तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। जो बीपीएल कार्ड जिनका बना हुआ है तो बीपीएल कार्ड वाले यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। बीपीएल कार्ड अक्सर उन्हीं का मिलता है, उन्हीं का बनता है जिनको समाज का कमज़ोर वर्ग माना जाता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर माना जाता है, और सरकार उनको टाइम टाइम पर नई नई रियायतें देती है। नंबर 10 पे अदर है सच एज सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन जो हमारे 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग होते हैं वो यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। उनको किसी भी गवर्नमेंट इशू की आईडी की जरूरत पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और जेंडर आइडेंटिफाइड होना चाहिए। और ऐप में मैं आपको दिखाई चुका हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। ये तो बात रही आपके एप्लीकेंट की, दोबारा से आप मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट, डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अगर आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो आपके लिए यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी तय की गई है कि आपको क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखा है यहाँ पे लिखा है एनी लॉयर विद ए वैलिड प्रैक्टिसिंग लाइसेंस रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट बार काउंसिल इज एलिजिबल टू वॉलंटियर हिज हर लीगल सर्विसेज, कोई भी अगर आप रजिस्टर्ड हैं लाइसेंस है स्टेट बार काउंसिल में तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। और ये देखिए नीचे लिखा आ रहा है एडवोकेट हियर प्लीज रीड द टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल टू एडवोकेट, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो इसके बारे में आप अपनी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऐप और वीडियो वेबसाइट से दोनों से करके दिखा दिया है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज बैंक SKT चैनल पर आगे भी मिलेगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।